आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुपूरक अनुमान बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, पीएम मोदी विकास पर्व की शुरुआत करने मध्य प्रदेश आ रहे हैं। सिंचाई योजना के विजन डॉक्यूमेंट का लोकार्पण करेंगे। विकास पर्व के तहत होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। अलग अलग दिन अलग अलग विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और आर के सिंह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी मध्य प्रदेश आएंगे। वहीं कैबिनेट में धार जिले की सड़क परियोजना को कैबिनेट ने दी प्रशासनिक स्वीकृति। विज्ञान प्रौद्योगिक विभाग की कई योजनाओं को मंजूरी। खंडवा, दतिया और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति। सीएम फ्लैगशिप योजनाओं के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने। राजमार्ग के निर्माण के प्रस्ताव। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण समेत कई मेडिकल कॉलेजों की राशि को मंजूर किया गया। आप सबको विदिती है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे विकास पर्व की शुरुआत करने राजगढ़ मोहनपुरा और इंदौर में प्रारंभ करने के लिए आ रहे हैं। ये भी आप सबको विदिती होगा कि सिंचाई योजनाओं की 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा के विजन डॉक्यूमेंट्री का वो शुभारंभ करेंगे, जिसमें हमने जो हमारी 40,00,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित है उसे 80,00,000 तक करने का लक्ष्य रखा है, जो कि अपने आप में हिंदुस्तान में बहुत तेजी से कृषि की ग्रोथ रेट बढ़ाने वाला साबित होगा। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज आज के साथ।